इस न्यूज के प्रायोजक है नेशनल डेंटल क्लिनिक हेमू कॉलोनी चौराया गायत्री मंदिर रोड नीमच। नीमच के हर के खाली स्थित जाजू सागर डैम पर अवैध खेती का गोरख धंधा कई सालों से निरंतर जारी है। नगर पालिका को अवगत कराया जाता है पर सिर्फ जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई की जाती है कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन दृश्य साफ तौर पर देख रहे हैं आप किस तरह के हैं, किस तरह खेती होती है, किस तरह जाजू सागर डैम के पानी का उपयोग अवैध खेती करने वाले ले रहे हैं। लेकिन नगर पालिका कहती है कि हमारे चौकीदार वहाँ रहते हैं, हम कार्रवाई करते हैं, तो फिर ये दृश्य कहाँ से दिखाई दे रहे हैं? या फिर सिर्फ मिली भगत कह सकते हैं कि नगर पालिका श्री एक दो कार्रवाई करके इतिश्री कर लेती है। खैर सच जो भी हो, लेकिन इस तरह की तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि कई लोग तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें नगर पालिका के जिम्मेदारों की पूरी मिली भगत रहती है। नहीं तो इस तरह पर कैसे अवैध खेती होती है और क्यों नहीं उस पर अंकुश लगा सकते हैं? नीमच जिला कलेक्टर को भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया जाएगा और इस अवैध खेती के गोरख धंधे में नगर पालिका की क्या भूमि है इस पर भी उन्हें अवगत कराया जाएगा। आइए सुनते हैं नगर पालिका अधिकारी ने क्या कुछ कहा। सर, नीमच जाजू सागर डैम पर अवैध खेती का मुद्दा एक बार फिर गर्मा रहा है। जो पानी है उसको भी डैम का वापर रहे हैं, वहाँ पर जो अवैध खेती हो रही है उसमें, ऐसे में गर्मी में भी दिक्कत आ सकती है और नगर पालिका मुख दर्शक बनी हुई है। नहीं भैया, नगर पालिका मुख दर्शक नहीं बनी हुई है, वहाँ पे हमारे चौकीदार और डैम प्रभारी तैनात हैं जो इस बात पर बराबर निगरानी रखते हैं। चूँकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, हो सकता है कि चोरी होती हो, लेकिन ऐसे मौके पर उनकी मोटरें भी जब्त की जाती हैं, उनके मछली पकड़ने के जाल भी जब्त होते हैं, बराबर कार्रवाई चलती रहती है। सर, चौकीदारों पर ही मिली भगत के आरोप लग रहे हैं और अभी वर्तमान में कुछ वीडियो है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है खेती। आपने कभी दौरा किया इस बीच? हाँ, मैंने दौरा किया है, मैंने डैम को चारों तरफ से देखा हुआ है। कोई खेती नहीं हो रही है सर? कोई खेती हो नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है खेती हो रही हो क्योंकि उसमें गांव भी शामिल है और हमारी नगर पालिका की जो ज़मीन है अधिग्रहित की हुई वो भी शामिल है। कौन सी ज़मीन नगर पालिका की ज़मीन के रूप में चिन्हित है और कौन सी खेती के रूप में चिन्हित है, अभी इसका सीमांकन कभी हुआ था पहले पुराने समय में, लेकिन वर्तमान में अभी नहीं हुआ है। हमने एक चिट्ठी भी भेजी हुई है तहसीलदार जीरन के लिए कि इसका सीमांकन कर दिया जाए ताकि हम इसको फेंसिंग करा के अपने कब्जे में सुरक्षित कर सकें।